ऑल राइट, वेलकम बैक टू सेकेंड एपिसोड। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिंगलटन की एक एग्जाम्पल रखी थी, किस तरह से हम सिंगलटन अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं देखे तो आप जाके मेरा जो एपिसोड वन है इस सीरीज़ का वो देख सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से हम अपसर्ट का जो कीवर्ड होता है, अपसर्ट की जो टर्म होती है, उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं। इसका मैं आपको पहले बैकग्राउंड नॉलेज दे दूँ कि अपसर्ट से मेरा क्या मतलब है, मैं क्या इससे डिफाइन करना चाह रहा हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट का DB बना हुआ है, जहाँ पे मैं यूज़र स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसकी क्लास रखवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ID तो मैंने ऑटो जनरेटेड रखवाई हुई थी लास्ट टाइम, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऑटो जनरेट आईडी किस तरह से बनती है, और प्राइमरी की रखी हुई थी। तो इधर तो कोई मसला नहीं होगा, जब जब मैं स्टूडेंट न्यू क्रिएट करूँगा, ऑटो जनरेट आईडी एक +1 हो जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी उसकी, और वो इंसर्ट होता जाएगा। लेकिन अगर हम ऑटो जनरेट नहीं रखते, हमारे अपने डिफाइन हुए हुए रूल नंबर्स हैं यूज़र के, ना स्टूडेंट्स के, 1001 से स्टार्ट हो रहा है, या 100 से, या 1 से किसी तरह भी स्टार्ट हो रहा है, या उसमें स्ट्रिंग वगैरह करेक्टर्स वगैरह का भी कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पे हम ऑटो जनरेट तो नहीं कर सकते। वहाँ पे हम इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं, हमें स्टूडेंट आईडी जो है पास करना पड़ती है फिर। लेकिन वहाँ पे मसला क्या आएगा, अगर स्टूडेंट आईडी लेट सपोज 5 एक क्रिएट हुई है मेरे नाम से, दानियल के नाम से एक स्टूडेंट आईडी क्रिएट हुई है 5 के नाम से, और बाद में कभी उस स्टूडेंट को दोबारा ऐड करने की कोशिश की, तो अभी जो प्रोजेक्ट जिस स्टेट पे मेरा है ना, यहाँ पे क्रैश कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना तो मैंने इसको कुछ डिफाइन किया है कि अगर अपडेट मतलब एग्जिस्ट करता है तो इग्नोर करे या अपडेट करे, इस तरह की मैंने कोई भी चीज़ अभी तक डिफाइन नहीं की। तो ये चीज़ देखते हैं, ये चीज़ हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसको अभी यहाँ पे एक रन करके भी दिखा सकता हूँ कि एरर किस तरह आता है। तो चले मैं यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टूडेंट की आईडी भी ले लेता हूँ, जहाँ से मैं जो मेन एक्टिविटी से स्टूडेंट का नाम वगैरह जो ले रहा हूँ, क्योंकि हम पहले ले नहीं रहे थे क्योंकि ऑटो जनरेट हम करवा रहे थे। अच्छा, जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे मुझे एरर देगा कि स्टूडेंट की आईडी भी आप पास करें, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और क्लास नेम के अलावा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं स्टूडेंट की आईडी जो है कोई एडिट टैक्स नहीं बनाता, अभी एक हार्ड कोडेड डाल देता हूँ 1। सही है, 1 स्टूडेंट की आईडी जो है मैंने ऐड कर दी। जब भी मैं इंसर्ट का बटन दबाऊंगा तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो उठ के जाएगा, लेकिन 1 मेरी हार्ड कोड चली जाएगी जो आईडी है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ, फर्स्ट टाइम तो इंसर्ट हो जाएगा डेटा ना। चले मैं इसको पुराना जो मेरे पास है इसको मैं क्लियर करता हूँ, ताकि फ्रेश एक इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि मैं इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर रहा था, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ना। क्योंकि जब भी आप कोई टेबल्स के अंदर कोई चेंजेस करते हैं ना, तो ये आपको वर्जन अपडेट करने का बोलता है, या तो वर्जन अपडेट करें डेटाबेस के अंदर जाके, या फिर एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल करते हैं सिंपली। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा नाम दानी, और सेकंड नेम में लिख देता हूँ अहमद, और क्लास में डाल देता हूँ लेट्स सपोज 10। सही, अब मैंने फर्स्ट टाइम इंसर्ट किया, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंसर्ट हमारी हो चुकी है, हम चेक भी कर लेंगे। लेकिन इसी को अगर मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 11 करता हूँ, मैं इंसर्ट करूँगा ना, क्रैश हो जाएगी, इंसर्ट किया क्रैश होगी। अब मैं इसके लॉक कैट में जाके अगर देखूँगा ना, मेरे लॉक कैट आ नहीं रहे। बेसिकली यहाँ पे एरर जो आएगा ना लॉक कैट का, वो आएगा यही आ गए। तो इसका हम देख लेते हैं, देखें ये क्या कह रहा है, यूनिक कंस्ट्रेंट फील्ड स्टूडेंट डॉट STUID। वो कह रहा है कि भाई ये यूनिक कंस्ट्रेंट आपने लगाया हुआ है तो इसकी डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, और हमने यहाँ पे कोई इसको कोई रूल्स ही डिफाइन नहीं किया। तो अब रूल्स हमारे पास मल्टीपल होते हैं, या तो आप इग्नोर करवा दें अगर एग्जिस्ट करता है, या आप अपडेट करवा दें, दोनों बिल्कुल ईजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने रखना है ऑन कॉन्फ्लिक्ट इक्वल ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी डॉट। अच्छा, यहाँ पे या तो इग्नोर करवा दें या फिर रिप्लेस करवा दें। इसके अलावा और भी चीज़ें वो हम देखते हैं, रोल बैक का होता है कि ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाए। तो अभी मैं चाहता हूँ कि रिप्लेस हो जाए, अपडेट, हमने जो अपसर्ट की जो टर्म की बात करी कि इंसर्ट हो जाए या अपडेट हो जाए। सही, अच्छा मैं अब इस क्या नाम है प्रोजेक्ट को, एप्लीकेशन को दोबारा अनइंस्टॉल कर देता हूँ एक बार, और इसको हम रन करते हैं। पहले मैं एक इंसर्ट करूँगा, और क्लास नेम हम याद रख लेंगे पहले हमने क्या इंसर्ट किया था, उसके बाद अपडेट करते हुए हमने क्लास नेम क्या डाला। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा दानी और अहमद, और क्लास में लेट सपोज डाल देता हूँ 10, ये मैंने इंसर्ट कर दी फर्स्ट रो। ठीक है, लेट सपोज हम दोबारा इंसर्शन कर रहे हैं यूज़र की, स्टूडेंट की अपने, या हमने एक ही टेबल बनाया हुआ था कि भाई स्टूडेंट अगर प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में जाता है तो उसको दोबारा हमने डालना है, हमारा मतलब इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। तो हमने 11 कर दिया यहाँ पे। अब मैं इंसर्ट करूँगा ना, बाहर तो ये कुछ बता नहीं रहा क्योंकि हमने इस तरह की कोई कंडीशन लगाई नहीं इंसर्ट होने के ऊपर, टोस्ट वगैरह हमें दिखाया।
तो हमने एक चीज़ लास्ट टाइम देखी थी कि हम किस तरह से डेटाबेस की फाइल निकाल सकते हैं। यहाँ से आप डिवाइस एक्सप्लोरर पर जाएँ राइट साइड पे और डेटा में जाएँ, यहाँ से डेटा के अंदर जाएँ, यहाँ पे जो है अपना पैकेज नेम ज़रा सर्च करें। मैंने रूम प्लेलिस्ट रखा था, रूम के अंदर गया, डेटाबेस में गया, तो यहाँ पे ज़रा एक बार जो है डेटाबेस को आप सिंक्रोनाइज़ कर लें ताकि ये जो है अपडेट हो जाए। अच्छा, ये एक टूल मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, जो कि था आपका DB ब्राउज़र फॉर SQLite। ये बड़ा अच्छा टूल है, ये विंडोज़ और मैक दोनों के ऊपर आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा, ये तीनों फाइल्स आपने कॉपी करनी होती हैं सेव एस, और कहीं भी आप इसको रख लें। मैं इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ। और ये आपने टूल खोलना है, ओपन डेटाबेस करना है, स्टूडेंट DB को सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, और यहाँ पे आके आपने लिखना है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। ऑलराइट। अच्छा, तो आपको याद हो कि हमने पहले इंसर्ट की थी स्टूडेंट की जो क्लास थी वो 10 रखी थी, उसके बाद जो हमने दोबारा इंसर्ट किया था उसके अंदर 11 रखा था। तो देखिए, इसने एक ही रो को अपडेट कर दिया, मल्टीपल इंसर्शन नहीं की। तो ये एक हमारी टर्म होती है अपसर्ट की। आप इसी को यहीं पे इग्नोर कर दें, इग्नोर के कीवर्ड से, तो ये जो है अपडेट भी नहीं करेगा, जस्ट सिंपली इग्नोर करके क्रैश अवॉइड कर देगा, क्रैश नहीं आएगा। तो ये जहाँ भी आप प्राइमरी की लगाते हैं ना अपने टेबल के अंदर, स्टूडेंट का टेबल था मेरा, प्राइमरी की लगाते, तो मेक श्योर कि आप उसको, या तो अगर ऑटो जनरेटेड नहीं दे रहे तो फिर आप इस तरह की हैंडलिंग कर लें, वरना बाद में मसले आते हैं, क्रैशेस उसके आते हैं। तो आई होप कि ये एपिसोड आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे डेट फॉर्मेट की, तो उसी वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों और हम क्यों रखते हैं।